मैनुअल थेरेपी में टेस्ट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते वक्त रेजिस्टेड टेस्टिंग में सिरिक्स ने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू सिरिक्स, जब भी हम किसी भी मसल्स या मूवमेंट को परफॉर्म करते वक्त रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जो जॉइंट की पोजीशन होगी दैट शुड बी इन मिड पोजीशन और जॉइंट रेस्टिंग पोजीशन। और जब भी हम कोई भी रेजिस्टेड मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो जॉइंट का एरिया जहां पे हमें प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए वही हम मूवमेंट एरिया टेस्ट कर सकें। अब ये देखने के लिए ड्यूरिंग OMT evaluation कि जो पेन है वो जॉइंट टेस्ट की वजह से ही, जॉइंट डिसफंक्शन की ही वजह से है एक्चुअल, तो सिरिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जो कंप्रेशन टेस्ट है इवेल्युएशन का वो रेजिस्टेड टेस्ट से पहले करवा लेना चाहिए। बिकॉज कि कंप्रेशन टेस्ट अगर तो पेन प्रोवोक कर रहा है तो रेजिस्टेड टेस्ट फिर हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड वैल्यूज में आ जाएंगे। तो इसके लिए सिरिक्स ने 4 इंटरप्रिटेशंस हमें प्रोवाइड की हैं जिससे हम अपना रेजिस्टेड टेस्ट और अपने जो डायग्नोसिस है उसको फर्दर कंफर्म कर सकते हैं और हम अपने डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन के बाद ट्रीटमेंट प्रोसीजर को लेकर मोर प्रिसाइज हो जाएंगे। तो 4 यहाँ पर हमारे पास कैटेगराइजेशन है जो कि सिरिक्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेड टेस्टेस में हमें फाइंडिंग अगर मिलेंगी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट करेंगे। फर्स्ट वन इज द पेनफुल एंड स्ट्रॉन्ग, कि अगर हमने पेशेंट को मूवमेंट कराई है और वो पेशेंट की मूवमेंट पेनफुल है बट स्ट्रॉन्ग है तो हम कंक्लूड करेंगे कि देयर इज द माइनर लीजन ऑफ मसल और टेंडन। बट अगर हमने पेशेंट को रेजिस्टेड टेस्टिंग कराई है, रेजिस्टिंग मूवमेंट कराई है रेजिस्टेड, और पेशेंट की मूवमेंट पेनफुल होने के साथ वीक है तो हम कंक्लूड करेंगे कि मेजर लीजन है मसल और टेंडन में। थर्ड वन जो पॉइंट है इसमें, अगर हमने पेशेंट की रेजिस्टेड टेस्टिंग कराई है और पेन लेस मूवमेंट है और मूवमेंट वीक भी है तो हम कंक्लूड करेंगे कि देयर इज सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई न्यूरोलॉजिकल लीजन है या जो मसल और टेंडन है उनका कंप्लीट रप्चर हो चुका है। फोर्थ वन इज पेन लेस एंड स्ट्रॉन्ग, कि मूवमेंट पेनलेस है बट स्ट्रॉन्ग है तो वो हमारी नॉर्मल फाइंडिंग होगी कि जैसे नॉर्मल हमारे पास पर्सन आया है, हमने उसकी रेजिस्टेड मसल टेस्टिंग की है ड्यूरिंग OMT इवैल्यूएशन तो वो पेनलेस और स्ट्रॉन्ग अगर मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो दैट मीन पर्सन नॉर्मल है। तो ये सिरिक्स का क्राइटेरिया है, ये हमें जो थोड़ा सा टॉपिक है ये हेल्प आउट कर सकता है पेशेंट की असेसमेंट में भी, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ड्यूरिंग वाइवा भी।